नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में धरना दे रहे किसानों से जिला प्रशासन की तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इस दौरान प्रशासन से वार्ता कर बाहर निकले किसान नेताओं ने कहा कि तीसरे दौर की वार्ता में कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सरकार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को वापस ले। वहीं जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों से जबरन भूमि नहीं ली जाएगी, किसान अपना धरना समाप्त कर दें। बताते चले कि पहले दौर की कलेक्ट्रेट और दूसरे दौर की कंदरापुर थाने में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में धरना दे रहे किसानों से प्रशासन ने वार्ता की। यही नहीं, जिलाधिकारी धरना स्थल खिरिया की बाग भी पहुंचे, लेकिन किसानों ने धरना समाप्त नहीं किया। तो तीसरे दौर की वार्ता के लिए किसानों को आज आमंत्रित किया गया था, लेकिन तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इस दौरान किसान नेता राजीव यादव ने बताया कि दो दौर की हुई पहले और अब तीसरे दौर की वार्ता में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारी मांग सिर्फ यह है कि सरकार मास्टर प्लान को वापस ले। डीएम ने कहा कि यह अधिकारी आपके पास नहीं है, लेकिन हमने कहा कि यह अधिकारी ग्राम पंचायतों के पास है। ग्राम पंचायतें यह तय करेंगी कि यह प्रोजेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। इसके लिए पूरा इलाका मास्टर प्लान को रद्द करने की मांग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम शासन को हमारी मांगों को नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं और वार्ता पर वार्ता कर हम लोगों को थकाना चाहते हैं, लेकिन किसान जब भीषण ठंड और कोहरा पड़ रहा था तब नहीं थका। 22 किसानों की मौत के बाद भी धरना 113वें दिन जारी है और किसानों को हरगिज नहीं थकेंगे। प्रशासन ये चाह रहा है कि हम अपने तरीके से इस आंदोलन को मोड़ लें, और जैसे हमको ये लगता है कि कहीं से भी हम उनके चंगुल में ना फंसे, इसलिए हम सतर्क रहते हैं। हम धरना स्थगित कर दें और कल को ये लोग अपना कार्य शुरू कर दें तो हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम इस पर कहे कि हमको जो शासनादेश है उसकी एक कॉपी उपलब्ध करा दीजिए, हम आंदोलन समाप्त कर देते हैं। वो इस पर राजी नहीं हुए, बोले हमको कुछ खुद लिखे के मिला नहीं है तो हम बिना उनके लिखित पर, तो जो ये बात आ गई सामने कि अगर वहाँ से कुछ लिखित नहीं मिला था तो आपने जो जमुआ हरिराम में 12-13 अक्टूबर की रात में जो तांडव किया था वो कैसे हो गया, ये सारी बातें कुछ आई। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए पिछली बात छोड़ दीजिए, कुछ हुए कुछ ऐसा होता है कि हम पहले से तैयारी करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो पहले से तैयारी जो वो करते हैं तो हमारे लोगों को सता उता करके जो किए, अब तो लगे मारे पीटे और हाथ भी टूट गया कपिल यादव का, तो हम लोगों ने ये आंदोलन स्वतः उभरा, इससे कोई उभारा नहीं है। वार्ता आपकी सफल रही या असफल रही? वार्ता असफल रही। आगे समय दिए हैं या आप लोग धरना पे फिर बैठेंगे? हम धरने पर बैठेंगे। देखिए डीएम साहब से हमारी तीसरी वार्ता थी, और पहली वार्ता में, दूसरी वार्ता में, तीसरी वार्ता में इनमें कोई भी अंतर नहीं था, और हमारा साफ कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द किया जाए, ये हमारी डिमांड है। लेकिन डीएम साहब लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि सहमति है, हम कह रहे हैं कि शासन के पास जो विचाराधीन प्रोजेक्ट है उसको वापस ले लें, ये कह रहे हैं कि नहीं ये अधिकार आपके पास नहीं है, ये अधिकार ग्राम सभाओं के पास में है और ग्राम सभाएँ ये तय कर सकती हैं कि वो प्रोजेक्ट उनके गाँव में रहेगा कि नहीं रहेगा। और मंदुरी पूरा इलाका जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को रद्द करने की बात कर रहा है, लेकिन डीएम साहब इस बात को मान नहीं रहे। दूसरा कि अगर आपने शासन को हमारी बात को लिखकर भेजना चाहिए कि ये मास्टर प्लान को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार नहीं भेज रहे हैं, मतलब कि आप झूठा आश्वासन देना चाहते हैं। बस आप लगातार वार्ता से हमको थकाना चाहते हैं, लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं कि आज 113 दिन है। खिरिया बाग आंदोलन तब ठंडी में भी चला, जब भी भीषण कोहरा पड़ रहा था, शीतलहरी थी, तब भी हम नहीं हुए। 22 से अधिक किसानों की जमीन जाने के सदमे से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जिलाधिकारी आजमगढ़ को या फिर योगी जी को, मोदी जी को इस बात को समझ में नहीं आता है कि आप किसानों की लाश पे क्यों इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। और जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब यहाँ पर बात हो रही है तो हमको अडानी को नहीं भूलना चाहिए। आज अडानी का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, और अभी योगी जी मुंबई गए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने अडानी अंबानी जैसे
से ग्रुप्स से मुलाकात की थी। 10, 11, 12 में इन्वेस्टर सबमिट होने वाली है। हम जानते हैं कि हमारी ज़मीनें छीन करके अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को दे दी जाएगी। ये आजमगढ़ के किसान, खीरियाबाग के किसानों ने तय किया है कि हम नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जब तक मास्टर प्लान रद्द नहीं होता है तब तक हम इस जंग को लड़ेंगे। अच्छा यादव जी, जो वार्ता अगर आपकी विफल हो गई तो फिर क्या कहे हैं, वार्ता होगी आगे कि अब आंदोलन आपका चलता रहेगा? नहीं देखिए, आज हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसको कमेटी में बातचीत करेंगे। और साफ तौर पर है, हमने वहां पर भी बात बोला कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं किया जाता है तब तक ये धरना चलता। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि जिलाधिकारी ने किसानों के साथ वार्ता की, सभी किसानों से धरना समाप्त कर अपने अपने कार्यों में लगने का अनुरोध किया गया। यह भी आश्वासित किया गया कि सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान अगर भूमि नहीं देना चाहते तो वो न दें, उनसे जबरन भूमि नहीं ली जाएगी। किसानों की मांगों को लोकतांत्रिक मांगों को स्वीकार किया जाएगा, साथ ही किसान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश न करें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।